कहीं एंट्री में कोई डाउट लगे तुरंत पूछना, है ना। तो लिखो, हेडिंग दोगे अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, जो कल मैंने, माइक म्यूट करो, किसी का माइक म्यूट नहीं है। साक्षी, देखो कल जो मैंने मेथड बताया था, तो एक बुक में कोई भी मेथड दे सकता है ना, लेकिन एंट्रीज ऐसे ही होंगी। तो नेक्स्ट देखो, अब फर्स्ट, पहली एंट्री क्या होगी? अगर हम इशू कर रहे हैं नया शेयर, तो उसके लिए फर्स्ट एंट्री लिखो, इशू ऑफ न्यू शेयर। बीइंग शेयर्स इशूड, सेकेंड एंट्री देखो अब क्या होगी इसमें। अब मेथड क्या बताया था? डिविजिबल प्रॉफिट से। तो अब हम इनको रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन मतलब क्या? शोधन, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो शेयर इश्यू होगा, ये पूरा सेम वही एंट्री होगा जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, इश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। तो देखो, रिडेम्पशन करने के लिए सबसे पहले इश्यू होना जरूरी है, तो ये एक समझो एक ऐसी फॉर्मेलिटी वाली एंट्री थी। अब मेन काम देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, हमको रिडेम्पशन करना है शेयर को। कितने मेथड्स बताए थे कल मैंने आप लोगों को? एक मेथड बताया था आपको, देखो यहाँ साइड में लिख रही हूँ रिविजन के लिए, है ना। एक तो डिविजिबल प्रॉफिट में से, मतलब जो प्रॉफिट बच है कंपनी का, उस प्रॉफिट में से शेयर्स के पैसे वापस करेगी, या फिर फ्रेश इशू कर देगी, इशू ऑफ फ्रेश इशू। तो दूसरे शेयर इशू करेंगे, उसके पैसे आएंगे, उनसे इनको पैसे दे देंगे। दूसरा ये प्रोजेक्ट में से, और दूसरा न्यू शेयर में से। और फोर्थ क्या है? कन्वर्जन, कन्वर्ट कर देंगे शेयर को, मतलब प्रेफरेंस वाले हैं तो उनको इक्विटी कर देंगे, इक्विटी है तो डिबेंचर्स, ऐसे करके। तो ये चार मेथड थे। अब देखो जो पहली एंट्री में बता रही हूँ, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये वाला मेथड, अगर डिविजिबल प्रॉफिट से उनके पैसे वापस कर रहा है, तो उसकी एंट्री देखो क्या होगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी अधिनियम 2013, उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब नहीं बोलते हैं, ये अकाउंट नहीं होता है अब, ये क्या है? ये स्टेटमेंट बन गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसका न्यू नेम लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर देखो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब देखो ये क्या होता है? अगर मैंने बोला है कि हम प्रॉफिट में से देंगे, तो ये एक रिजर्व कंपनी क्रिएट करती है, और उस रिजर्व में से कंपनी क्या करेगी? फंड देती है। देखो इसमें पहले एंट्री लिख लो पूरी, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट देखो, इसमें जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड या फिर कोई और रिजर्व होगा, उसमें से अगर फर्म पैसे देगी, डेबिट, ये सब डेबिट होगा, है ना। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, है ना। ये सब इस एंट्री में कोई डाउट है तो पूछो। देखो ये जो भी लिखा है, ये अगर कंपनी प्रॉफिट में से दे रही है, मतलब लाभ में से
शोधन कर रही है, तो वो कम आपको क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन होगा या कंपनी की पॉलिसी है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में से देना चाहेगी, या जो डिविडेंड वाला रिजर्व रहता है उसमें से, या जो जनरल रिजर्व है उसमें से देना चाहेगी, या किसी और रिजर्व में से। तो ये तीनों एंट्री एक साथ यूज नहीं करेंगे अपन एग्जाम में। अगर बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर ये वाले फंड से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब अपन पैसे देंगे तो सबसे पहले इनका जो पैसा होगा प्रॉफिट का, जिसका ये किसमें ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम उनको पैसे देंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये क्लियर कट होगा कि हम कौन से फंड में से दे रहे हैं। तो ये तीन फंड के अलावा कोई एकाध फंड और होगा, बुक में दिया होगा, उसमें से हम पैसे लेंगे और उस पैसे को पहले हम रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री में कोई डाउट है? ठीक। और ये जो जनरल रिजर्व है, सामान्य संचय, रिजर्व फंड है तो संचित कोष, तो जब, ठीक है, जब इन खातों से, ठीक है, शोध पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है तो अपेक्षित राशि को सर्वप्रथम, सुनो अच्छे से, पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है इसका नाम है पूंजी शोधन संचय खाते, ठीक है। तो सबसे पहले इस अमाउंट, ये फंड के अमाउंट को किसमें डालना पड़ता है, पूंजी शोधन संचय खाते में। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम थर्ड एंट्री करेंगे। अब थर्ड एंट्री देखो, प्रोविजन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगर जब आपने कंपनी का शेयर लिया था और कंपनी अगर ये बोलती है कि आपको हम प्रीमियम पे पैसे वापस करेंगे, समझ में आ रहा है प्रीमियम क्या होता है? जैसे अगर अपन इश्यू करते हैं तो एट 10% प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो अपन 110 लेते हैं। तो वैसे ही कंपनी बोल सकती है कि हम जब आपके शेयर्स को रिडीम करेंगे, रिडीम, देखो अब मैं एक वर्ड यूज करूंगी, रिडीम, रिडीम मींस क्या, पैसे वापस देना। तो हम आपको प्रीमियम पे पैसे वापस देंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रोविजन था प्रीमियम का, किस पे, रिडेम्पशन पे, मतलब शोधन पर दी जाने वाली प्रीमियम की राशि की व्यवस्था करने पर, तो क्या एंट्री होगी? अगर देखो हम प्रीमियम दे रहे हैं तो अब हमारा प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। वैसे जब हम लेते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट। अब हम जब दे रही है कंपनी तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, जस्ट अपोजिट। फिर किस में से देगी, वो कंपनी के ऊपर है। या जनरल रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस ये काउंट नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और फिर जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इस एंट्री में डाउट है कहीं? नो मैम। अब देखो फोर्थ एंट्री। अब पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इसके पहले क्या हो रहा था, हम जो पैसे निकाल रहे थे उसको हम पहले कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। कौन सा अकाउंट था, पूंजी शोधन संचय खाते में हमने अमाउंट को डाल दिया था। अब हम उसमें से क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो फोर्थ एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ
रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. क्या लिखा है? शोध्य पूर्वाधिकार अंश पूंजी को अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित करने पर. तो देखो देखो सिंपल सा लॉजिक लगाना, मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में कहीं कंफ्यूजन हो. तो देखो जब कंपनी पैसे लेती थी तो क्या एंट्री करती थी बताओ? बैंक डेबिट टू क्या करती थी? शेयर कैपिटल एप्लीकेशन करती थी. और फिर हम उस एप्लीकेशन को डेबिट करके किस में डालते थे? शेयर कैपिटल में. ये करते थे कि नहीं करते थे जब हम इशू की एंट्री करते? तो देखो पैसे दे रही है, जब ले रही है तो ये एंट्री देगी, तो क्या हो जाएगा? अपोजिट. तो देखो ये जो शेयर कैपिटल क्रेडिट था ये क्या हो जाएगा? डेबिट. लिखना रिडीमेबल, सिंपल सा कुछ भी लॉजिक नहीं है, अपोजिट हो जाएगा. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. देखो उस समय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था, अब डेबिट हो जाएगा. ठीक है, फिर देखो अगर प्रीमियम पे दे रही है, किस पे दे रही है? प्रीमियम. ये देखो ये प्रीमियम, ये देखो रेड स्पॉट फॉलो कर दिख रहा है आप लोगों को? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये देखो है ना. तो ये क्या है यहाँ पे? क्रेडिट. तो अब जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? ये डेबिट. देखो यहाँ पे इस प्रीमियम का जो अमाउंट आया था इसको मैंने प्रीमियम खाते में डाला था, तो इस प्रीमियम खाते को यहाँ क्रेडिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना, फालतू बड़ा बड़ा हो जाएगा हेडिंग. और टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ के एंट्री बनाना. प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स अकाउंट. एंट्री में डाउट है किसी को? नो मैम. ठीक है, अब देखो जस्ट अपोजिट चले, ये वाली एंट्री हो गई, अब ये वाली एंट्री करेंगे बैंक वाली. तो नेक्स्ट पेज में कर रही हूं मैं फिफ्थ एंट्री. देखो अब क्या होगा? पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने पर. पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैसे होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट. देखो जस्ट अपोजिट हुआ ना, उस समय जब कंपनी लेती है तो बैंक क्या करती थी? डेबिट टू जैसे एप्लीकेशन में लेती थी. अगर पूरा पैसा लेती थी तो अपन एप्लीकेशन की जगह क्या लिखते थे? पूरा का पूरा शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स देते थे. देखो जस्ट अपोजिट एंट्री हो रही है. सिक्स्थ देखो, अगर हाँ किसी को डाउट है तो पहले पूछो यहां तक, फिर मैं इसके आगे बताती हूँ. कहीं डाउट है किसी भी एंट्री में तो पूछो पहले.
नो मैम बस एक ही है स्टूडेंट, उषा, रिया, प्रिया, साक्षी, आदित्य। नहीं मैम। देखो डाउट है तो पूछ सकते हो तुरंत, टफ तो नहीं लग रहा है ना टॉपिक? बताओ टॉपिक टफ लग रहा है क्या? नो मैम। देखो टू मेक पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स एज फुली पेड, आंशिक देखो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कंपनी क्या कर रही है, पैसे रिडीम तो कर रही है, वापस तो कर रही है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा लिया ही नहीं है अभी तक। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे सपोज 100 रुपए का शेयर था, कंपनी बोली थी कि 10 साल में वो उसको वापस कर देगी, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन पे उसने 20 लिया, अलॉटमेंट पे उसने 50 लिया, तो बैलेंस फाइनल कॉल का कितना बचा था? 30 रुपए। लेकिन अब 10 साल हो गए, कंपनी को शोधन करना है, मतलब रिडीम करना है शेयर्स को, पैसे वापस करना है, तो सबसे पहले ये जो बचा हुआ 30 रुपए है ना कंपनी वो लेगी। तो वही लिखा है टू मेक पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर इज फुल्ली पेड, आंशिक दत्त पूर्वाधिकार अंशों को पूर्ण दत्त बनाने पर, तो पहले ये वाला पैसा लेगी। तो देखो जब भी अपन फाइनल कॉल की अमाउंट ड्यू करते हैं, है ना, जो दे वाली राशि होती है वो कौन सी एंट्री होती थी? यहाँ रिडीमेबल लिखना क्योंकि ये शोधनीय अंश है, प्रेफरेंस सेम एंट्री जो करते हैं अपन, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना, फिर वो पैसे जब कंपनी उनसे लेगी तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये ऐसी एंट्री आ सकती है बीच में, कंफ्यूज मत होना, सेम वही एंट्री होगी जो करते थे, बस इसमें रिडीमेबल एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि शोधनीय पूर्वाधिकार अंश है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी फाइनल अकाउंट, ये फाइनल कॉल की राशि है ना, फाइनल कॉल अकाउंट। देखो अब अपन एक देख रहे हैं, ए लिमिटेड वाला है, ठीक है, 10 रुपए वाले पूर्णदत्त अंश है ना, मतलब 16,000, तो 16,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितने रुपए वाले हैं, 10 रुपए वाले हैं, ठीक है, फुल्ली पेड है, ब्रैकेट में देखो लिखा है कि पूरे पैसे मिल चुके हैं, पूर्णदत्त, ये देखो फुल्ली पेड अप है। फिर कब निर्गमित किए थे अंश को, 1 अप्रैल 2011 को। इन अंशों का शोधन यानी इनका रिडम्पशन कब हो रहा है, 31 मार्च 2015 को किया जाना है। नेक्स्ट देखो, वार्षिक प्रावधान के लिए और अंशों के शोधन के लिए ए लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां यह मानकर कीजिए कि इन अंशों के शोधन के लिए विभाजन लाभों में से, तो किसमें से रिडीम कर रहा है, विभाजन लाभ आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, में से प्रति वर्ष 40,000 रुपए हस्तांतरित किए जाते हैं,
तो देखो डिविजिबल प्रॉफिट में से कर रहा है और हर साल, ठीक है, हर साल कितना वो कर रहा है उसमें से प्रॉफिट में से 40,000 1 अप्रैल 2011 को इशू किया था, 2015 को क्या करने बोल रहा है, रिडीम करने बोल रहा है। तो कितने साल के लिए था, 5 साल के लिए, देखो सॉरी 4 साल के लिए, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च हुआ 2012, फिर 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 13, फिर 13 से 14 और ये 14 से ये 15, 31 मार्च, तो ये 4 साल के लिए था। तो देखो फर्स्ट एंट्री हमने अभी की थी, क्या एंट्री की थी, फर्स्ट एंट्री देखो क्या करवाई थी, फर्स्ट एंट्री एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो निर्गमन नहीं हो रहा है, ये तो बोल रहा है कि पूर्ण दत्त है ऑलरेडी, तो वाली एंट्री हटा दो, उसने बोल रहा है ना कि पूर्ण दत्त है फुल्ली पेड। फिर सेकेंड एंट्री क्या थी, रिडेम्पशन ऑफ शेयर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभों में से अंशों का शोधन किए जाने पर। तो सेकेंड एंट्री पे आएंगे डिविजिबल प्रॉफिट में, क्वेश्चन में बता नहीं रहा है कौन सा फंड यूज किया है, तो डायरेक्ट लेना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो सेकेंड एंट्री करवाई है मैंने वही, डिविडेंड इक्वलाइजेशन जनरल रिजर्व कुछ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है। डायरेक्ट किस में डाल ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, आ रहा है समझ में। सेकेंड एंट्री हर साल कितना ले रहा है, 40,000, कौन से खाते में डाल रहा है ये, पूंजी शोधन संचय खाते में, आ रहा है समझ में। यस मैम। देखो ऐसे प्रोफॉर्मा बनाओगे ना, डेट पर्टिकुलर, फिर ये अमाउंट का है ना, तो देखो ये हर साल निकाल रहा है, तो 1 अप्रैल 2011 को किया था, तो ये एंट्री कब होगी, 31 मार्च 2012, सेम एंट्री हर साल कर रहा है तो 31 मार्च 2013 को, फिर से 40,000 निकालेगा, सेम एंट्री करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस में डालते जाएंगे, पूंजी शोधन संचय खाते में, हर साल कितना डालना है, 40,000। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, फिर से तीसरी एंट्री, डेट पर्टिकुलर और ऐसे अमाउंट बनाओ, दो एंट्री हो गई थी देखो 2013 तक हो गई थी, फिर से 2014 में, अब सेम एंट्री फिर से है ना, क्योंकि प्रॉफिट में से कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना, 40,000। फिर से 2015 तक कर रहा है, 31 मार्च 2015 तक, 4 साल है, तो ये चौथी एंट्री फिर होगी 31 मार्च को, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, 40,000। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो अपने कॉपी में प्रोफॉर्मा वाली, फिर क्या करते हैं अपन देखो, अगर प्रीमियम पे है, थर्ड एंट्री मैंने प्रीमियम वाली करवाई थी, तो प्रीमियम तो नहीं है क्वेश्चन में, है क्या क्वेश्चन में प्रीमियम वाला अमाउंट, नो मैम, तो वाली एंट्री स्किप। उसके बाद वाली एंट्री देखो कौन सी है, उसके बाद वाली एंट्री शोध पूर्वाधिकार अंश को, अंश पूंजी को अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित करना, तो फोर्थ एंट्री करो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, देखो प्रीमियम वाली एंट्री नहीं है, सीक्वेंस फॉलो करना है जो सीक्वेंस लिखवाई हूं मैं, प्रीमियम नहीं है प्रीमियम रहने दो, तो कौन से थे 6% वाले थे, 6% रिडीमेबल लिखना, 6 अगर कोई हिंदी में एंट्री बना रहा है तो लिखना 6% विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
फिर मैंने प्रीमियम वाली एंट्री लिखवाई है, प्रीमियम नहीं है तो डायरेक्ट टू 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे होल्डर्स अकाउंट। अब देखो 16,000 शेयर्स थे, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, तो कितना हो जाएगा 1,60,000। और देखो हम हर साल 40,000 निकाल रहे हैं, वो भी 4 साल तक, तो 1,60,000 देखो हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं इस वाली एंट्री तक। देखो यहाँ तक ये हो गया, ये भी सेम डेट पे बनेगी ना, 31 मार्च 2015। फिर देखो मैंने आपको नेक्स्ट एंट्री क्या करवाई थी, टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने पर, सेम 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से था 1,60,000। उसके बाद क्या दिया है मैंने आपको प्रोफॉर्मा में, पूर्ण वो क्या, अगर आंशिक दत्त है मतलब पार्टली है, मतलब जिन्होंने फाइनल कॉल वगैरह नहीं पे किया था उनके लिए, तो वो तो था है ही नहीं इसमें कुछ, तो ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। कोई बताओ टफ है क्या कहीं पर भी, बहुत इजी वे से चल रहा है सब कुछ।